आप अपने पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश तो काफी वर्षों से कर रहे होंगे। कोई ना कोई आदत या व्यवहार ऐसी होगी जो आप चाहते होंगे कि काश अगर ये चेंज कर लें तो मेरा जीवन सुधर जाए। हर पति को अपनी पत्नी से कुछ चेंज की अपेक्षा है, हर पत्नी को अपने पति से कुछ चेंज की अपेक्षाएं हैं, और मैं इसको रोज अपने घर में देखता हूं साहब, ये शिकायत हम सबकी है। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है, अब तक कुछ सुधार पाए हो एक दूसरे में? कुछ सुधार पाए हो? अगर सुधार पाए हो ऑल द बेस्ट, नहीं सुधार पाए डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके और मेरे लिए कस्टमाइज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। हर व्यक्ति अपने तरीके से जीता है, उनकी अपनी एक प्रेफरेंस होती है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को बदलने में ही लगे रहे हैं तो फिर तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन हम इसमें कभी कामयाब नहीं हो। तो करना क्या है? पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें, खासकर पति पत्नी इस चीज को समझें कि पुरुष और स्त्री, हमारी ये जो वायरिंग है, हमारा जो मैनुअल है, वो एक जैसा नहीं है। मैन इज नॉट इक्वल टू वुमन, वुमन इज नॉट इक्वल टू मैन। लेकिन अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैन सुपीरियर है या वुमन सुपीरियर, नहीं, इन दोनों में से कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों बहुत सी चीजों में भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पुरुष टाइटैनिक मूवी देखने जाता है तो वो वेट कर रहा है कि कब ये जहाज बीच में से टूटेगा और लोग पानी में डूबेंगे, इनके लिए मूवी तब शुरू होगी। लेकिन अगर कोई लेडी टाइटैनिक मूवी देखने जा रही है तो आप देख सकते हैं उनके लिए ये सीन इस मूवी का सबसे महत्वपूर्ण सीन है। पुरुष बाथरूम में, पुरुष के लिए शैंपू होना चाहिए, वो नहीं पूछता कि ये क्लियर है, ये हेड एंड शोल्डर का है या पैंटीन का है या ABCD का है। पुरुष को शैंपू लिखा दिखना चाहिए, बट लेडीज के ब्रांड पर्टिकुलर होना चाहिए, कंडीशनर होना चाहिए और बहुत सारी चीजें साथ में चाहिए। एक फादर जब अपने बच्चे को उछाल रहा है तो उसके हिसाब से उतना उसने इतना उछाला है, बच्चे के हिसाब से इतना, और मदर के हिसाब से तो अंतरिक्ष में फेंक दिया है। बिकॉज वी सी थिंग्स डिफरेंट। पुरुष बाल कटाने जाता है तो बिफोर एंड आफ्टर में बहुत चेंज है, स्त्री का आपको पता नहीं चलता कि वहां पर हुआ क्या है, डिफरेंट है। सूटकेस पैक करना है, कहीं जाने की तैयारी करनी है तो बहुत दिनों पहले, महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है। पुरुषों का आपको पता है जाने से 5-10 मिनट पहले ये तैयार होते आपको दिखाई देते, क्योंकि हमारे स्वभाव भिन्न। पुरुष को अगर कुछ खरीदना है तो वो सीधा घर से जाता है, उसके दिमाग में क्लियर होता है ये ट्राउजर लेना है, इस कलर का लेना है, जाता है और ले आता है। बट इन केस ऑफ फीमेल, यू ऑल नो, यू नेवर नो क्या खरीदने जाते हैं और क्या खरीद कर वापिस आ सकते हैं। तो हम डिफरेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, हम डिफरेंट है। वुमन के पास कभी भी कहीं भी जाना हो तो आपको पता है साहब, इनके पास कभी भी कपड़े नहीं होते। अच्छा, कपड़े होते हैं, सैंडल कभी भी मैचिंग के नहीं होते, हर बार सैंडल नया लाना होता है। ओके, सो वी आर डिफरेंट। आप सब जानते हैं जी, पुरुष लोग, हमारा साइड ऑफ बेड 10% रह जाता है, और वो 10% भी कौन सी साइड? गिरने वाली साइड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हैप्पी कपल, हैप्पी कपल कौन है? जिसको एक चीज समझ में आ गई है कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि हम डिफिकल्ट हैं। एक दूसरे में जो भिन्नता है इसको स्वीकार करना है, ना कि ये कहना है कि ओहो तेरे साथ तो रहना बड़ा मुश्किल है। देखिए आप सब लोग जानते हैं, अगर आपका सोनी का टीवी है तो आप इसको ना LG के रिमोट से नहीं चला सकते। ओके, सिमिलरली पुरुष का मैनुअल और स्त्री का मैनुअल अलग अलग होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे पुरुष यदि किसी कारण से सपोज कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में कुछ तनाव में है और कोई समस्या है जिससे वो जूझ रहा है, जिसका उसके पास अभी कोई समाधान नहीं है, तो पुरुष का मैनुअल क्या कहता है कि वो जब तक उस समस्या का कोई बेसिक समाधान ना सोच ले तब तक वो अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ी मानसिक दूरी रखता है, ताकि उन पर इस परेशानी का असर ना। तो इस दूरी को मेंटेन करने के लिए वो अपने चेहरे पे बड़े गंभीर भाव रखते हैं, घुलते मिलते नहीं है घर आते ही परिवार के साथ। तो अपना जो चेहरे की गंभीरता है वो उसका, वो उनका तरीका है कहने का डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन स्त्रियों के लिए ये जो चेहरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड है, उनके मैनुअल के हिसाब से ये बोर्ड क्या कह रहा है? प्रोब। फॉर एग्जाम्पल,
पुरुष डो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर घर आया। अब डो नॉट डिस्टर्ब का मतलब है कि थोड़ा दूरी रखें, लेकिन इमीडिएटली इस चेहरे को देखते ही पत्नी जरूर पूछेगी आपको क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है? तो पुरुष थोड़ा फिर संभालता है और कहता नहीं नहीं तबीयत ठीक है, वह थोड़ा थक गया, जरा एक गिलास पानी मिल सकता है? तो वाइफ कहती है हाँ पानी क्यों नहीं मिल सकता है, पानी जरूर मिल सकता है, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है? तो कहते है कुछ नहीं भाई, थक गया हूं। अरे नहीं, ऑफिस से तो आप रोज आते हैं, पर आज ऐसा क्या खास थक गए? अब आप सोच के देखिए, अब पुरुष जो कि पहले से परेशान है और चाहता था कि आपको थोड़ा परेशानी ना दे, लेकिन अब आप बार बार उनको प्रोब कर रहे हैं, तो अब इसका नतीजा क्या होगा? वो पहले ही चिड़े हुए हैं किसी बात से, परेशान है, और आपने पूछा बताओ तो सही हुआ क्या है, मुझे चिंता हो रही है। तो फिर पुरुष बताता है कि हुआ क्या है सुनो, अभी जब मैंने घर में एंटर किया है तो सोफे के कपड़े, अगर आपने देखे ना, कभी भी सोफे के कपड़े तरीके से सोफे पर नहीं मिलते। ये घर में दीवारों पर कैसे जाले लगे हुए, फोटो फ्रेम्स पे कितनी मिट्टी जमी हुई है, इस घर में लोग रहते हैं या कौन रहता है? अब आप सोच के देखिए, वो ऐसा कुछ कहना चाहते नहीं थे, लेकिन आपने उनसे उनके मैनुअल को मिसरीड किया है। अच्छा, इसका विपरीत भी सच है। सपोज पुरुष घर आता है और स्त्री के चेहरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड है, चेहरा थोड़ा गंभीर बना रखा है, तो पुरुष अपने मैनुअल के हिसाब से सिर्फ एक बार पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? स्त्री ने क्या लगा रखा है बोर्ड? प्रोब का। लेकिन मैन क्या रीड कर रहा है? डू नॉट डिस्टर्ब। नतीजा, एक बार पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है? वाइफ ने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। कहता ओके सब ठीक है, तो जरा चाय बना दो। और फिर पत्नी नाराज हो जाती है कि तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं। समस्या ये है कि पुरुष ने अपने मैनुअल के हिसाब से पूछा है, स्त्री अपने मैनुअल के हिसाब से रिएक्ट करती है, तो इस कारण से कभी कभी कुछ अनजाने में गलत फहमियां हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैनुअल। एक दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाना है, अपना बनाना है। और अपना बनाने का मतलब क्या है जी, वो जैसे हैं उनके गुण और अवगुण दोनों के साथ अपना समझना है। इसको करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक ये किताब जरूर पढ़ें, मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये किताब जो पुरुष और स्त्री पढ़ लेंगे उनको एक दूसरे का मैनुअल समझने में बहुत मदद मिलेगी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मेड फॉर ईच अदर दुनिया में कोई नहीं। हम सबको कुछ एडजस्टमेंट्स अपने आप में करनी होती है। मेड फॉर ईच अदर ये बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में तो आपको पता है जी, जो लोग एक दूसरे के मैनुअल नहीं समझते, दे आर मैड एट ईच अदर। ओके,